अध्याय 6 ध्यान योग, श्लोक नंबर 41। ऐसे योग भ्रष्ट साधक पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त करते हैं। वहां अनेकों वर्षों तक निवास करने के बाद या तो पवित्र आचरण वाले लोगों के घरों में या फिर धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। जय श्री कृष्ण डिवोरीज। अब पिछले कुछ श्लोकों में अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि भगवान जी, अगर योग के रास्ते में कोई सिंसेरिटी से चले लेकिन अगर फिर वो मन को वश में ना कर पाए और भटक जाए तो ऐसे योगी का क्या होता है। इस श्लोक में भगवान ने समझाया है कि ऐसे योग भ्रष्ट साधक, इससे पहले भी ये समझाया था कि कभी भी कोई भी भगवान की तरफ चलने का अगर प्रयास करता है तो ऐसे प्रयासरत योगी का कभी नाश नहीं हो सकता, उसका पतन नहीं हो सकता। अब ये समझा रहे हैं योग भ्रष्ट, मतलब योग के रास्ते से जो डिस्ट्रैक्टेड हो, भटक जाए, है ना, उसको सबसे पहले तो भगवान क्या करते हैं अगले जन्मों में, पुण्यवान लोग जिन लोकों में रहते हैं। देखिए, हम मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम में हैं अभी, अर्थ में, इसके ऊपर वेरी सिस्टम के एंगल से बहुत सारे लोग आते हैं जिनका जीवन शैली यहाँ से बड़ी ज़्यादा लग्जूरियस है। जैसे इस धरती पे भी देखिए, कोई स्लम में पैदा होता है, कोई बहुत गरीब परिवार में और कोई बहुत अमीर फैमिलीज में, ठीक है, तो उनकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक लिमिटेशन है, आपको ये अगर 90 साल जी सकता है या 100 साल जी सकता है तो वो 200 साल या 500 या 1000 साल नहीं जी सकता, क्योंकि ये बॉडी की डिज़ाइनिंग ही ऐसी, इसकी एक्सपायरी डेट है 60, 70, 80, 90, 100, 110 भी, है ना। और यहाँ एक लग्जरीज की भी अपर लिमिट है। तो अगर किसी ने भगवान की भक्ति की, योग के रास्ते में चला, पूरा नहीं कर पाया तो कम से कम उसको अच्छे प्लैनेट्स मिल जाएंगे। देखिए, जैसे स्वर्गलोक है, है ना, स्वर्गलोक टाइप के प्लैनेट्स में क्या होता है कि बहुत हाई लेवल की लग्जरीज अवेलेबल होती है, है ना। यहाँ तो कोई बहुत सुपर रिच आदमी है जो बहुत हाई लेवल की, फॉर एग्ज़ाम्पल, मदिरा पी सकता है, तो वहाँ पे भोग विलास की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ कोई बहुत अमीर आदमी होगा, उसका अपना प्लेन होगा, वहाँ पे बहुत कॉमन है कि सबके पास अपने मंत्रा से चलने वाले प्लेन्स वगैरह होना, सोना, यहाँ पे सोना होना, हीरे होना इज़ वेरी 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 लग्जरी। लाइक जो लोग सुपर रिच लोग होंगे उनके पास बहुत सोना और हीरे जमारात होते हैं। ऐसे हायर प्लैनेट्स पे क्या होता है कि ये सोना, हीरे, मोती, ये बहुत ज़्यादा लोगों के पास पड़े होते हैं, सभी के पास होते हैं, ऐसा नहीं। और वहाँ कोई ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत गरीब है, सभी काइंड ऑफ वेल ऑफ होते हैं। अब स्वर्ग लोक में फॉर एग्जांपल किसी की लाइफ ही है लाखों साल हो सकती है, तो वो लाखों साल भोग करते हैं, हमारी इंद्रियाँ हैं, हमारा बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है, फिर हमारे को ये पेड़ दर्द, बैक एक, तो उनकी जो बॉडी है वहाँ पे, जो हायर लेवल के प्लैनेट्स होते हैं उसमें बॉडी की भी डिज़ाइनिंग ऐसी होती है कि उसको में सुख बहुत ज़्यादा होते हैं, कष्ट फिर भी होते हैं, बट यहाँ के कंपैरिजन में जहाँ हम रह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, है ना। सो पहले आपने अगर भगवान के रास्ते पे चल पड़े, भटक गए, तो पहले आपको पुण्यवान के जो लोग होते हैं, हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स, वहाँ पे जन्म मिलेगा। और फिर क्या होगा, भगवान कह रहे हैं फिर उसको मैं दोबारा धरती पे भेजूँगा, या तो वो बड़े अच्छे आचरण वाले, जिनका लाइफ में बड़ा अच्छा बिहेवियर है, ऐसी फैमिली में, सदाचारी मनुष्यों के घर वो जन्म लेंगे। और मेरा बचपन से ये सवाल होता था कि यार किसी का घर जहाँ पैदा हुआ वो बड़े वेल ऑफ हैं, अच्छे वेल बिहेव्ड लोग होते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल ही ज़्यादा बेकार एनवायरनमेंट में पैदा हो जाते हैं, तो कैसे होता होगा ये सब, क्यों होता है ये सब, ये तो फेयर नहीं लग रहा, ऐसा लगता था मुझे। जब मैंने ये श्लोक पढ़े तो मुझे समझ आया कि ये तो पूर्व जन्मों की जर्नीज हैं। अगर किसी ने पूर्व जन्म में योग किया हुआ है, भक्ति की हुई है, तो उसको उस प्रकार से, बिकॉज उसने वो किया हुआ है, डेडिकेशन शो की है भगवान की तरफ, तो उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है कि उसको अच्छे परिवारों में, जहाँ अच्छा बिहेवियर होगा, गुड वैल्यूज़ होंगी, ऐसे परिवारों में, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बड़े ज़्यादा वेल्दी फैमिलीज़ में जन्म मिल जाए, जहाँ पे उनको रोटी, कपड़ा, मकान का कोई बेसिक्स का फाइट ना हो, फाइट ही ना हो, है ना। अब अगर मैं अपना जन्म देखूँ तो मैंने ये फील किया, हाँ सच बात है, मेरे को तो भगवान ने ऐसे परिवार में जन्म दिया, मेरे दादाजी भी एक योगी की तरह थे, बड़ा फेयरली काम करते थे, चंबा के फर्स्ट वकील थे, बहुत सारे गरीबों को फ्री में जाने देते थे,
सेवा भाव बहुत था उनमें, हमने कभी नहीं सुना उनको किसी की निंदा और चुगली में इन्वॉल्व होते हुए, है ना। और आज भी लोग उनको याद करते हैं, तो आई फील वेरी हैप्पी कि मेरे को ऐसे परिवार में जन्म मिला, से मेरे चाचा जी हों या पापा हों, सबके अंदर देने का भाव बहुत है, वेल मैनर्ड हैं। तो अब मुझे समझ आया कि ओके, बिकॉज मैंने पिछले दिनों के ना कि भक्ति की हुई है, तो अब मुझे भगवान ने एक अच्छे संस्कारी परिवार में दिया। और दूसरा, हमें कभी रोटी कपड़ा मंगाने का स्ट्रगल नहीं था, जब भी हमने कुछ मांगा भगवान की कृपा से पेरेंट्स प्रोवाइड कर पाए, अच्छे कॉलेजेस में पढ़े, यू नो, जब शौक़ था कि बाइक चलानी है यामाहा तो यामाहा मिल गई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ पे भी भगवान की कृपा से फाइनेंशियली रीजनेबली वेल ऑफ रहे, कार चलाने का दिल था कि यू नो अच्छी बड़ी एसयूवी होनी चाहिए, 7 सीटर होनी चाहिए, तो वो भी मिल जाती थी, है ना। तो ओवरसीज हॉलीडे घूमने का शौक़ था तो वो भी हो जाता था, लेकिन तब हमें ये नहीं पता चलता था कि ये हमारे पुराने जन्मों के अकाउंट हैं, ये भगवान की कृपा है। मैंने लगा ठीक है, हो गया, कौन सी बड़ी बात है यार, लोगों को तो हमारे से ही बहुत ज़्यादा है। तो हम पहले ऐसे थे, लेकिन अब समझ आया कि ये ऐसा नहीं हो गया भाई, किसी को खाना खाने को नहीं मिल रहा है, कि कोई बहुत वेल ऑफ है, कोई फ़ोन ही 1 लाख रुपये का ले लेता है, और किसी की 1 लाख तनख्वाह शायद 6 महीने की होती है। कितना बड़ा वेरिएशन है। ये वेरिएशन इसलिए है क्योंकि अगर किसी ने पूर्व जन्मों में योग कर रखा है, भक्ति कर रखी है, भगवान से जुड़ा हुआ था, लेट्स से वो 60-70-80% में पहुंचा था, तो पहले उसको हायर प्लैनेटरी सिस्टम में भोग मिलेगा, या कि वो पुण्यों का अकाउंट अपना थोड़ा सा मिनिमाइज करे, और फिर यहाँ वो आएगा अच्छे परिवारों में और वेल्दी फैमिलीज में उसका जन्म होगा। तो देखिए, सोच के देखिए, तो फिर नुकसान क्या हुआ? ऐसे ही आप लोगों की बातों से डर रहे हो जो आपको डिस्करेज कर रहे हैं भगवान के रास्ते में चलने के लिए। ये एक ही बात है जिसका अल्टीमेटली सब कुछ परमानेंट अकाउंट में जा रहा है। 100% हो गया तो भी बढ़िया बात है, हम भी भगवान के धाम जाएंगे, 100% मतलब प्योर भक्ति पे पहुंच गए, हम भी धाम बजाएंगे और साथ में हमारे पूर्वजों का भी कल्याण हो जाएगा, आली जनरेशन, पीछे की जनरेशन और आगे की 21 जनरेशन तर जाएंगी, तब भी फ़ायदा। पूरा नहीं पहुंच पाए, 70% पे पहुंचे, तब भी क्या हुआ? अच्छी फैमिलीज तो मिलेंगी, और ये बात तो गारंटीड है कि आपको मनुष्यवाणी मिलेगी, अच्छे परिवार मिलेंगे, संस्कारी लाइफ मिलेगी। तो मतलब दिस इज़ द ओनली पार्ट जिसमें बस बेनिफिट बेनिफिट और बेनिफिट ही है। लेकिन फिर भी देखिए, अज्ञानता, इंसान 70 साल की उम्र में उसको पढ़ाए मैं और पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ, जिसकी उसकी एक ठाँव कवर में, वो ये नहीं सोच पा रहा कि मैं परम गति के बारे में सोचूं, और उसको ये पता होते हुए भी कि अगले जन्म में उसको 1 रुपया नहीं मिलने वाला है, वो और होल्डिंग में लगा है। लेकिन जो हमारे साथ जाएगा, ये सत्संग साधना सेवा, राइट, आज भी जो आपको मिला है ना, जो आप भगवद गीता ये सुन पा रहे हो, बिकॉज आपने ये सब किया है पास में, तो क्यों ना हम सत्संग साधना सेवा के डिवाइन अकाउंट को बढ़ाने की कोशिश करें, और ऑफकोर्स ज़रूरत के हिसाब से जितना हमें ज़रूरत है फाइनेंसिस के भी बारे में सोचें, बट मेन फोकस हमारा परमानेंट डिवाइन एसेट्स के बारे में होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता की जय।